स्पेन की राजधानी मैड्रिड में साल 2004 में हुए ट्रेन विस्फोट में शामिल आतंकियों में से एक आतंकी ऑथमैन को अदालत ने 42,924 साल की सजा सुनाई थी, जबकि उसके साथी जमाल को 42,922 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि स्पेनिश कानून कहता है कि किसी को भी 40 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। 1994 में अमेरिकी राज्य अलबामा में रहने वाले चार्ल्स स्टॉक रॉबिन्सन नाम के एक शख्स को अदालत ने रेप के मामले में कुल 30,000 साल की सजा सुनाई थी। जज ने उसे कुल 6 मामलों में 55,000 की सजा सुनाई थी। चार्ल्स को इतनी लंबी सजा सुनाने के बाद जज ने बताया कि वह उसे बिना परोल के उम्र कैद की सजा नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी सजा सुनाई ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताए। इसका मतलब यह था कि चार्ल्स को पहली परोल तब मिलती जब उसकी उम्र 108 वर्ष की होती। साल 1994 में एलन वेन मैक्लोरिन नाम के शख्स को कई मामलों में दोषी करार किया गया और उसे कुल 21,250 साल की सजा सुनाई गई थी। एलन को रेप के 4 मामलों में कुल 8,000 साल की सजा सुनाई गई। जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने के मामले में 8,000 साल की सजा सुनाई गई। अपहरण के मामले में 1,750 साल, खतरनाक हथियार से हमले के मामले में 1,500 साल और लूटपाट में कुछ मामलों में 500-500 साल की सजा सुनाई गई थी। एलियन के साथी को भी अदालत ने कुल 11,250 साल की सजा सुनाई थी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सोचो मत यार, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दो और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन का आइकन होगा उसको ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।